नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को हाल ही में कॉन्विक्ट किया गया एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक गुजरात कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफाई भी कर दिया गया। इसे देखकर देश भर की ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हुई और ऑपोजिशन लीडर्स ने साथ में मिलकर कहा कि ये एक काला दिन था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा सके। पार्लियामेंट में वो रिपीटेडली अडानी के खिलाफ एलिगेशंस उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस सब का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, राहुल गांधी ने एक्चुअली में ओबीसी सेक्शन को अब्यूज किया देश में और इसलिए उन्हें डिस्क्वालिफाई किया गया। तो क्या है सच्चाई यहाँ पर, आइए इस डिफेमेशन केस को गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। ये बात है दोस्तों 2019 की लोकसभा इलेक्शंस की। राहुल गांधी कर्नाटका में एक इलेक्शन रैली कर रहे थे, वहां पर इन्होंने एक भाषण दिया जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने चोर करके पुकारा। अब क्योंकि ये पूरा डिफेमेशन केस इस एक भाषण पर आधारित है, तो आइए इस भाषण को सुनते हैं और एक एक वर्ड पर गौर करना कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। ये बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन जिस चीज को लेकर पूरा ये मुद्दा बना है वो बात आगे आती है। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लुटा के भाग गया, 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तो ये बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर इन तीन मोदीज को चोर कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करी गई और फिर केस दर्ज किया गया आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत, जो डिफेमेशन से डील करते हैं। डिफेमेशन शब्द का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हो जिससे उस दूसरे इंसान की रेपुटेशन इफेक्ट होती है, रेपुटेशन को डैमेज पहुंचता है, इसे डिफेमेशन कहा जाता है। इंडिया में डिफेमेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। अगर आप किसी के खिलाफ सिविल डिफेमेशन करते हो तो पैसे का फाइन पे करना पड़ सकता है, लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन केस में सजा भी हो सकती है, जेल हो सकती है फॉर अप टू 2 years। सेक्शन 500 इस पनिशमेंट को डिफाइन करता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 2 years विद और विदाउट अ फाइन। और सेक्शन 499 इस चीज को डिफाइन करता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होगी। बोले गए शब्द हो सकते हैं या पब्लिश्ड शब्द हो सकते हैं या साइंस हो सकते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, और आप नॉलेज के साथ और इंटेंशनली किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन को डैमेज करो। तो आपको सोचकर लगेगा कि जिन तीन मोदीज का नाम यहाँ भाषण में मेंशन किया था, उन तीन में से किसी एक ने कंप्लेन फाइल करी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही नीरव मोदी ने, ना ही ललित मोदी ने और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये कंप्लेन फाइल करी कि मुझे चोर बुलाया गया। तो किसने ये कंप्लेन फाइल करी? ये कंप्लेन फाइल करी एक बीजेपी एमएलए और फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर पुर्नेश मोदी ने। जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है यहाँ पर कि इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इन्हें किसी ने क्या बोल दिया? इसको लेकर काफी मजाक भी बना। सैटायरिस्ट राहुल गांधी ने कहा पुर्नेश का नाम नहीं लिया, शायद इसलिए वो बुरा मान गए। लेकिन थोड़ा गहराई से देखोगे तो पुर्नेश मोदी का क्लेम ये है कि राहुल गांधी ने जो कॉमेंट किया है वो देश की सारी मोदी कम्युनिटी को बदनाम करता है। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसे बड़े केयरफुली सुनो और थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके देखो। अगर मैं कहता हूं कि ये सारी गाड़ियों के हॉर्न की वजह से नॉइस पोल्यूशन फैलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूं कि सारे पोल्यूशन के सोर्सेज ये गाड़ियों के हॉर्न ही है? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली अगर राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोर मोदी होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे मोदी चोर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी ने तो ये भी नहीं कहा। बहुत से इंग्लिश अखबारों ने राहुल गांधी की स्पीच को गलत ट्रांसलेट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, सीएनएन, बिजनेस टुडे, न्यूज 18, इन सब ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था ऑल थीव्स आर मोदी, या फिर कुछ ने ट्रांसलेशन करी कि ऑल द थीव्स आर मोदी। लेकिन बीबीसी एक ऐसे न्यूज पोर्टल्स में से था जिसने ट्रांसलेशन को सही किया। सही ट्रांसलेशन थी ऑल दीज थीव्स आर मोदी। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ये नहीं कहा जा रहा कि सारे चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे होते हैं।
बड़े ही एक्सप्लिसिटली तीन लोगों के नाम लिए गए हैं जिनका मोदी सरनेम है, और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करी गई है। अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि ढूंढने पर जितने भी निकलेंगे वो सब मोदी निकलेंगे। तो यहाँ पर ना ही सारे मोदीज की बात करी गई, ना ही सारे चोरों की बात करी गई। बात करी गई डीमोनेटाइजेशन और GST की, और जो रिसेंटली घोटाले हुए नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया गया नोटबंदी के इम्पैक्ट का, जैसे आम जनता को, छोटे बिजनेसेस को एक बुरा असर पड़ा और जो क्रोनी कैपिटलिस्ट थे उन्हें एक फायदा मिला। राहुल गांधी के लॉयर किरीट पानवाला ने यही चीज आर्ग्यू करी कहते हुए कि राहुल गांधी के भाषण में कोई इल इंटेंशन नहीं था। लीगल स्कॉलर गौतम भाटिया ने ट्वीट करके कहा कि ये एक बड़ी बेसिक लीगल प्रोपोजिशन है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट एक जेनेरिक क्लास ऑफ लोगों को रेफर करती है, डिफेमेशन का केस स्टैंड नहीं कर सकता अनलेस कोई इंडिविजुअल ये ना प्रूव कर सके कि डायरेक्टली उन्हें रेफर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी खड़ा होकर कहता है कि ये सारे लॉयर लोग चोर होते हैं, तो कोई भी रैंडम लॉयर खड़ा होकर इस आदमी के खिलाफ डिफेमेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉयर प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट बोली गई है एज एन इंडिविजुअल। सारे लॉयर्स को लेकर बोली गई है, किसी एक लॉयर को पिन पॉइंट नहीं किया गया, तो डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। गौतम भाटिया का कहना है कि ये बड़ी अजीब चीज है कि जो कोर्ट के जज थे वो इस बेसिक चीज से कैसे अनअवेयर हो सकते हैं, और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। खुद ही सोचकर देखो आप दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी जेनेरिक स्टेटमेंट्स हर कोई देता है कि इंडियन मीडिया तो बिक चुका है, ये हमारी पुलिस तो हमेशा करप्ट होती है, ये बॉलीवुड वाले लोग एंटी हिंदू होते हैं, कैपिटलिस्ट लोग धरती को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये हम इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं। तो बहुत बारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी जेनेरिक स्टेटमेंट्स हर किसी के द्वारा बोली जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया वाले खड़े होकर केस करने लग गए डिफेमेशन का, बॉलीवुड वाले लोग खड़े होकर डिफेमेशन का केस करने लग गए, या एज एन इंडियन कोई डिफेमेशन केस कर दे कि किसी ने इंडियंस के बारे में कोई जेनेरिक स्टेटमेंट बोली हो। ऐसा होने लग गया तो आधा इंटरनेट ही खाली हो जाएगा और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सेक्शन 499 में लिखी गई डेफिनेशन भी इस चीज को क्लियर करती है कि द इम्प्यूटेशन कुड बी अबाउट अ पर्सन, अ डिसीज्ड पर्सन, अ कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच, लेकिन इट हैज टू बी रेडिली आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल। और इस केस में राहुल गांधी ने पुर्णेश मोदी के खिलाफ पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं कहा। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज पुर्णेश मोदी ने खुद एडमिट भी करी कि राहुल गांधी की स्पीच उनके खिलाफ पर्सनली नहीं थी, लेकिन फिर भी सूरत कोर्ट के चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट HH वर्मा को लगा कि नहीं, राहुल गांधी को फिर भी कॉन्विक्ट किया जाना चाहिए इस चीज में, और अपने 168 पेज के ऑर्डर में इन्होंने सजा सुनाई। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने भाषण को लिमिट कर सकते थे नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी तक, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली ऐसी स्टेटमेंट दी जो सारे लोगों को हर्ट करती है, जिन सब लोगों का मोदी सरनेम है, इसलिए ये एक क्रिमिनल डिफेमेशन है। और कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त मैक्सिमम पनिशमेंट दी। इसके पीछे क्या कारण था? कोर्ट जस्टिफिकेशन देता है कि राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है पब्लिक पर, जिसकी वजह से इनके क्राइम की सीरियसनेस और बढ़ जाती है। इसीलिए क्योंकि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें कम पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट दी जानी चाहिए, जो कि 2 साल की होती है। कम पनिशमेंट दी तो लोगों तक एक गलत मैसेज पहुंचेगा, ये कहना था कोर्ट का। सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस और आउटकम इसका बहुत ही बिजार और अजीब रहा है। लीगल प्रोसेस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, और आप मुझसे पूछोगे तो मेरी भी राय यहाँ पर यही है। प्लीज जज साहब, मुझ पर कोई डिफेमेशन मत कर देना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत लगा देना, लेकिन मेरा मानना है कि डिफेमेशन आज के दिन दुनिया भर में एक जरिया बन गया है लोगों की आवाज दबाने का। राहुल गांधी का ही एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई इकलौता डिफेमेशन केस नहीं था राहुल गांधी के ऊपर, करीब 8-9 ऐसे और डिफेमेशन केसेस उनके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मार्च 2014 में जब उन्होंने कहा था कि RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा, और यहाँ पर यह मेंशन करना जरूरी है कि गांधी जी की हत्या के 4 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑर्डर जारी किया था RSS को बैन करने का। ढेरों किताबों में इस चीज को मेंशन किया गया है कि नथुराम गोडसे का RSS से क्या कनेक्शन था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन केस किया गया इस चीज को लेकर। जून 2018 इन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह डायरेक्टर थे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और इस बैंक ने करीब 750 करोड़ रुपए डीमोनेटाइज्ड करेंसी के कलेक्ट किए थे सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि BJP 80% ज्यादा अमीर बन गई नोटबंदी के बाद। एक और डिफेमेशन केस। अप्रैल 2019 राहुल गांधी ने एक इलेक्शन रैली में कहा अमित शाह को एज मर्डर अक्यूज्ड BJP चीफ अमित शाह। एक और डिफेमेशन केस।
नवंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने बाकी और फ्रीडम फाइटर्स को बिट्रे किया था जब उन्होंने ब्रिटिश के सामने माफी मांगी। इस लेटर में उन्होंने कहा था, सर आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, और साइन किया अपना नाम। रिस्पॉन्स में एक और डिफेमेशन केस। तो बड़ा सवाल यहाँ पे राहुल गांधी के सामने उठता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये कोई राहुल गांधी स्पेसिफिक या कांग्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश भर में डिफेमेशन एक जरिया बनता जा रहा है आवाज दबाने का। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसे ही 33 डिफेमेशन केसेस फाइल किए गए हैं। कांग्रेस लीडर्स पवन खेरा, जयराम रमेश और नेटा डिसूजा के ऊपर सिविल डिफेमेशन केस फाइल किया स्मृति ईरानी ने, जब इन कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि स्मृति ईरानी की बेटी एक बार चलाती है सिली सोल्स नाम से गोवा में इलीगली। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर जब आरोप लगाया गया कि वो एक प्राइवेट कंपनी को फेवर कर रहे थे, तो उन्होंने डिफेमेशन केसेस फाइल किए थे बीजेपी लीडर्स अरुण जेटली और प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन ने डिफेमेशन सूट फाइल किया कपिल मिश्रा के खिलाफ, जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए। कांग्रेस लीडर विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल किया मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इन कनेक्शन विद ओबीसी कोटा इन पंचायत बोर्ड्स। 2014 में शिवराज सिंह चौहान ने खुद डिफेमेशन केस फाइल किया मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर के मिश्रा के खिलाफ, जब उन्होंने आरोप लगाया था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड स्कैम का। और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी का कहना है कि वो डिफेमेशन केस फाइल करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने इन्हें रामायण कैरेक्टर शूर्पनखा से कंपेयर किया। और तो और दोस्तों, एक समय पर एक आदमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के खिलाफ एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी तक मैंने आपको सिर्फ पॉलिटिशियंस के एग्जांपल बताए जहां पर पॉलिटिशियंस पर डिफेमेशन केसेस किए जा रहे थे, लेकिन पॉलिटिशियंस के पास अक्सर बहुत पैसा होता है। अगर बात आम आदमी पर आती है, जब इन्हीं डिफेमेशन केसेस का इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों की आवाज दबाने के लिए, एक्टिविस्ट और मीडिया वाले लोगों की आवाज दबाने के लिए, तो ये काफी खतरनाक बन जाता है। अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। तो डिफेमेशन का लॉ जो है, ये डेफिनेटली उस पे चिलिंग इफेक्ट है। 2012 और 2021 के बीच में AIADMK ने करीब 130 डिफेमेशन केसेस फाइल की अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट, एनजीओस, न्यूज एडिटर्स और अखबारों और टीवी नेटवर्क्स के ऊपर। इंटरेस्टिंगली, ये केसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल इंसान के द्वारा फाइल नहीं किए गए थे, बल्कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा फाइल किए गए थे जब AIADMK पार्टी पावर में थी। हालांकि जुलाई 2021 में डीएमके पार्टी जब पावर में आती है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन इन सारे केसेस को विड्रॉ करने का ऑर्डर दे देते हैं। 2017 में एक एनसीपी पॉलिटिशियन ने एक एक्टिविस्ट के खिलाफ केस फाइल किया जब उन्होंने एलेज किया कि वो पॉलिटिशियन को स्पेशल पर्क्स मिल रहे थे जेल में। 2013 में आम आदमी पार्टी ने एक डिफेमेशन केस फाइल किया एक वेब पोर्टल और टीवी चैनल के खिलाफ, ये कहते हुए कि जो स्टिंग ऑपरेशन चैनल ने रन किया था वो फर्जी था। ये प्रॉब्लम इंडिया के बाहर भी एग्जिस्ट करती है दोस्तों, जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने डिफेमेशन केस फाइल किया एक राइटर रॉबर्टो साविनो के खिलाफ जब उन्होंने कुछ कमेंट्स बोले इटालियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को लेकर माइग्रेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए। पिछले साल यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाली कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए कि दुनिया भर में करीब 160 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डिफेमेशन अभी भी क्रिमिनलाइज्ड है और डिफेमेशन लॉज को मिसयूज किया जाता है। यूनेस्को की सजेशन थी कि डिफेमेशन के इशू को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समय पर यही कहा था जब जया ललिता की सरकार में डिफेमेशन केसेस को लेकर बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि डिफेमेशन केसेस को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए सरकार के क्रिटिक्स के खिलाफ। सिर्फ किसी सरकार को करप्ट कहने से किसी के ऊपर डिफेमेशन केस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मुद्दा उठाया जाता है दोस्तों डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज करने का। इसका इतिहास देखें तो डिफेमेशन के कानून को पहली बार आईपीसी के सेक्शन में डाला गया था साल 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये बेसिकली एक 160 साल से ज्यादा पुराना कानून है जो हमें हैंडओवर किया गया है ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट के द्वारा। जिन लोगों ने कानून बनाया था वो इससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी इसी घिसे पिटे कानून को यूज करते जा रहे हैं। साल 2009 में यूके में 200 सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया गया था और डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, लेकिन आज के दिन इंडिया में हमारे पास क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ भी है और सेडिशन का लॉ। पॉलिटिकल दायरे से बाहर आए तो डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों की आवाज ना दबा पाए। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। साल 2018 में अनिल अंबानी ने अहमदाबाद में 28 अलग अलग डिफेमेशन केसेस फाइल किए थे। इनमें से 8 केसेस पॉलिटिशियंस के खिलाफ थे जो ऑपोजिशन पार्टीज से थे, लेकिन 20 केसेस ऐसे थे जो एक्चुअली में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट के खिलाफ थे।
जैसे एलेजिड रफेल स्कैम की खबरें आने लग रही थी, अनिल अंबानी ने डिफेमेशन केस फाइल किया। सीनियर जर्नलिस्ट सीमा मुस्तफा के खिलाफ, जो कि द सिटीजन की फाउंडिंग एडिटर हैं, 7,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस एनडीटीवी के खिलाफ फाइल किया गया और 5,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट निकाली कि अनिल अंबानी फ्लोटेड रिलायंस डिफेंस 10 डेज बिफोर मोदी अनाउंस रफेल डील। अप्रैल 2014 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने डिफेमेशन केसेस फाइल किए परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ, जब उनकी किताब आई गैस वॉर्स नाम से। इनमें इन्होंने एलेजिड इररेगुलरिटीज को हाईलाइट किया नेचुरल गैस की प्राइसिंग को लेकर। परंजॉय गुहा ठाकुरता को डिफेमेशन केस अडानी पावर से भी सहना पड़ा, जब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच एलेजिड रिश्ते को लेकर। और ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अगर मीडिया और जर्नलिस्ट के पास इतनी भी आजादी नहीं होगी कि वो पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट स्कैम्स के बारे में बात कर पाए, तो कहां से कोई स्कैम सामने आ पाएगा। कोई हैरानी की बात नहीं है दोस्तों कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग अब 150th पर पहुंच चुकी है 2022 में। डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश साल 2015 में करी गई थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने साथ में एक प्ली फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, मतलब क्रिमिनल डिफेमेशन को हटा दिया जाए और सिर्फ सिविल डिफेमेशन का कानून रहे। अगर कोई डिफेमेशन होती है तो फाइन भरना पड़े पैसे का, जेल की सजा ना मिले। इसके पीछे कारण यही कि किस तरीके से इसे एक्सप्लॉइट किया जाता है इस कानून को। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट ने इस चीज को अपोज किया ये कहते हुए कि डिफेमेशन की क्रिमिनलिटी बहुत जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को अपहेल्ड किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ही डिफेमेशन कानून को खत्म कर देना चाहिए। डिफेमेशन मेरी राय में एक नेसेसरी कानून है। ऐसे कई केसेस होते हैं जहां पर सही मायनों में किसी की रेपुटेशन को बदनाम किया जाता है, गलत आरोप लगाए जाते हैं एक इंडिविजुअल के द्वारा किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन मेरी राय में इसे डीक्रिमिनलाइज तो जरूर करना चाहिए। अगर कोई डिफेमेशन करता है वो पैसे का फाइन भरे, लेकिन जेल की धमकी ना हो। दूसरा, सिविल डिफेमेशन के केसेस में भी जब करोड़ों के केसेस फाइल किए जाते हैं, हजारों करोड़ों के, तो ये भी बहुत थ्रेटनिंग हो सकता है। कुछ जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट कैसे इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड कर पाएगा, इसमें भी लिमिट को कंट्रोल में रखना चाहिए। और तीसरा, ये इंश्योर किया जाना चाहिए कोर्ट्स के द्वारा कि डिफेमेशन को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह ना इस्तेमाल किया जाए। और चौथा, मीडिया को कुछ हद तक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए इन केसेस से। इवन इफ कुछ क्लेम्स गलत निकलते हैं, यहाँ पर एक एक्चुअल इंटेंशन दिखाना जरूरी होना चाहिए कि जो बोला है वो जान पूछ कर बोला है, किसी की रेपुटेशन बदनाम करने के लिए बोला है। मैं ओरिजिनल टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है ये सही अपॉर्चुनिटी है इस बड़े मुद्दे के बारे में बात करने की। राहुल गांधी की जहां तक बात आती है, उन्हें बेल मिली है 10,000 रुपए बॉन्ड देकर और 30 दिन का समय मिला है अपील फाइल करने के लिए। इस कन्विक्शन के आने के कुछ ही टाइम बाद एक नोटिस इशू किया गया था लोकसभा के सेक्रेटरिएट के द्वारा कि राहुल गांधी अब डिसक्वालिफाइड हैं इस हाउस से एज ऑफ 23 मार्च। ये डिसक्वालिफिकेशन हुई है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, स्पेसिफिकली सेक्शन 83 ऑफ द RPA। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी इंसान कॉन्विक्ट होता है और उन्हें सेंटेंस दिया जाता है मिनिमम 2 साल के लिए, तो उन्हें डिसक्वालिफाई किया जाएगा, और ये डिसक्वालिफिकेशन जेल से रिहा होने के 6 साल बाद तक कंटिन्यू रहेगा। इससे पहले इस कानून में एक सेक्शन होता था सेक्शन 8(4), जिसमें कहा गया था कि ये डिसक्वालिफिकेशन कन्विक्शन की डेट के सिर्फ 3 महीने बाद ही इफेक्ट में आ सकती है। लेकिन जुलाई 2013 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने इस सेक्शन 8(4) को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि पार्लियामेंट डिसक्वालिफिकेशन को इस तरीके से डिले कर सकता है। उसी साल UPA सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी करी थी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को नलिफाई करने के लिए। UPA सरकार कोशिश कर रही थी कि एक स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन लाया जाए सेक्शन 8(4) का, और इसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया था। कहा जाता है कि ऑर्डिनेंस लाई गई थी RJD के चीफ लालू प्रसाद यादव को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्हें कॉन्विक्ट किया गया था फॉर्डर स्कैम में। लेकिन 28 सितंबर 2013 राहुल गांधी ने इस ऑर्डिनेंस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे कंप्लीट नॉनसेंस कहा था। ये UPA की सरकार के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, और 2 अक्टूबर को ये ऑर्डिनेंस विथड्रॉ किया गया। इसलिए कानून यही बना रहा कि जब भी किसी पॉलिटिशियन को सजा मिलेगी इमीडिएटली उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले पॉलिटिशियन जिन्हें इस तरीके से डिस्क्वालिफाई किया गया वो थे कांग्रेस लीडर रशीद मसूद, अक्टूबर 2013 में जब एक करप्शन के केस में उन्हें कन्विक्शन मिला। एक दिन बाद लालू प्रसाद यादव और JDU पॉलिटिशियन जगदीश शर्मा को भी इसी तरीके से डिसक्वालिफाई किया गया लोकसभा से। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा राहुल गांधी का। RPA एक्ट का सेक्शन 151A देखें तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर अगली इलेक्शन
एक साल या उससे ज्यादा दूर है, तो इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है इस वैकेंसी को फिल करने का उस सीट पर जहां से ये पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़े थे एक बाय इलेक्शन कराकर। कितने टाइम में ये बाय इलेक्शन बुलाई जा सकती है? 6 महीने के अंदर अंदर जब से वैकेंसी हुई है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि राहुल गांधी दोबारा से स्पीकर के पास जा सकते हैं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्टेटस को रिवाइव करा सकते हैं अगर उन्हें एक जुडिशियल ऑर्डर मिल जाए ये कहते हुए कि इनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन ये चीज इन्हें जल्द ही करनी पड़ेगी इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन अनाउंस करे। कांग्रेस ने ऑलरेडी कहा है कि वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे सूरत कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो एक्सपेक्टेड है कि यही नेक्स्ट स्टेप होगी इस केस में। ओवरऑल यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार को कैसे एक और लीगल प्रोसेस मिल गया है ऑपोजिशन को खत्म करने का। इससे पहले हमें देखने को मिला कि कैसे सरकारें बदली जाती हैं एमएलएस खरीद कर, ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को पैसे ऑफर किए जाते हैं करोड़ों में जिससे कि सत्ता पलटती है, और बड़े फेमसली हमारा मीडिया इसे एक ऑपरेशन का नाम देता है जैसे कि ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज करी जा रही है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि कैसे सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली सिर्फ ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को टारगेट करने के लिए। यानी पैसे ऑफर करना, धमकी देना और इन दोनों में से कुछ भी काम नहीं किया तो अब डिफेमेशन एक और जरिया बन गया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस है और यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ढेरों सबूत अब मौजूद हैं कि कैसे ये लीगल प्रोसेस सिर्फ एक साइड के लिए काम करता है और दूसरी साइड के लिए बंद हो जाता है। खुशबू सुंदर एक बीजेपी पॉलिटिशियन है जो पहले कांग्रेस में थी। साल 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था, यहाँ मोदी वहाँ मोदी जहाँ देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। तो बात को ना समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार। लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन सूट्स बेटर। ये ट्वीट अब वायरल जा रहा है, लेकिन क्या कोई भी मोदी सरनेम वाला आदमी इनके खिलाफ कोई केस करेगा? ऐसे ही ढेर सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद पंडित नेहरू को डिफेम कर रहे हैं, उनके बारे में बुरी चीजें बोल रहे हैं, या अगर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला या किसी और के कुछ खिलाफ कुछ बोला, दूसरी तरफ से लोग केस कर देंगे, लेकिन क्या कोर्ट उस केस को आगे बढ़ाएगा? लीगल प्रोसेस सेम न्यूट्रल तरीके से कैरी ऑन होगा उस तरफ? 25 मार्च को राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अडानी पर संसद में मेरे अगले भाषण से। सीधा सवाल है, शेल कंपनियों द्वारा अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या अडानी पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।